फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टूर नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुवाहाटी जो असम की राजधानी है वहाँ घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। उससे पहले प्लीज़ टूर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी शहर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। हालांकि गुवाहाटी शहर के एक छोर में एक और शहर है जिसका नाम दिसपुर है और ये असम की राजधानी है। और दसवीं जगह है वैली व्यू हिल। यह जगह सूर्यास्त देखने के लिए बहुत अच्छी है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सनसेट बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे यह रोड साइड व्यू पॉइंट है। और नौवीं जगह है गुवाहाटी मार्केट। गुवाहाटी में कई मार्केट है जो सुबह सुबह ही खुल जाते हैं और शाम 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप गुवाहाटी की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं। और आठवीं जगह है गुवाहाटी प्लेनेटोरियम। यह बहुत ही अच्छी जगह है हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, और बच्चों को यह बहुत पसंद आती है और बच्चों के लिए यह अच्छी जगह भी है। खेल खेल में यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए अगर आप बच्चों के साथ घूमने जाते हैं तो यह एक घूमने की अच्छी जगह है। प्लेनेटोरियम के अलावा यहाँ साइंस म्यूजियम, साइंस रीजनल सेंटर भी है। सातवीं जगह है पिकनिक स्पॉट्स। गुवाहाटी में कई पिकनिक स्पॉट्स हैं जैसे कोपिली पिकनिक स्पॉट, भागमती पिकनिक स्पॉट, शंकर देव पार्क, नीलांचल हिल एक्सेट्रा। यह ऐसी पिकनिक स्पॉट है जहाँ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप घूम सकते हैं, वरना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और छठवीं जगह है पूर्वा तिरुपति श्री बालाजी टेम्पल। यह गुवाहाटी का एक शानदार मंदिर है। यह तीर्थ स्थल भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प कलाकारी सभी बहुत अच्छी है, और इस मंदिर में भगवान की मूर्ति लगभग 4 टन की है। पांचवी जगह है असम स्टेट जू का बैटेनिक गार्डन। इसे गुवाहाटी जू के नाम से भी जानते हैं। यह 432 एकड़ में फैला है। जू में लगभग 895 जानवर, पक्षी और सांपों का घर है। यह बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और यहाँ आने वाले लोगों को यह काफी पसंद भी आती है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। चौथी जगह है शंकरदेव कला क्षेत्र। यह सांस्कृतिक संग्रहालय है जहाँ बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पार्क है। इस म्यूजियम में ईस्ट एरिया की कला और संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से सजाकर संभाल कर रखा गया है। यह गुवाहाटी का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ ओपन एयर थिएटर में सांस्कृतिक फंक्शंस और डांस प्रोग्राम भी होते हैं, और यहाँ साहित्य और ललित कला भवन भी बहुत खास है। तीसरी जगह है असम स्टेट म्यूजियम। इस म्यूजियम को सन 1940 में बनाया गया था। इस म्यूजियम में एपिग्राफी, मूर्तियों, प्राकृतिक इतिहास, कला, शिल्प, लोक कला और कई प्रकार की चीज़ों का संग्रह है। असम क्षेत्र में मूर्तियाँ 4 प्रमुख श्रेणियों, पत्थर, लकड़ी, धातु और तोराकोट में आती हैं। यहाँ बहुत ही दुर्लभ मूर्तियों का संग्रह है। दूसरी जगह है उमानंद मंदिर। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सुंदर से द्वीप के ऊपर बना एक बहुत सुंदर मंदिर है जो भगवान शिव जी का है। यह दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। नदी के किनारे से गांव के लोग नाव से मंदिर तक ले जाते हैं, और इस द्वीप का नाम मोर द्वीप है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह भी एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और पहली जगह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि यह माता सती के 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ लाखों लोग देवी के दर्शन के लिए रोज आते हैं, और हर साल जून 22, 23 और 24 तारीख को यहाँ अम्बाजी पर्व भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी गुवाहाटी में घूमने की 10 जगह। प्लीज़ टू नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you for watching my videos.